दो बुजुर्ग पति पत्नी रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और सामने से रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिनकी मौके पर ही ट्रेन से कट के बेरहमी से मौत हो जाती है। अब सभी को बता दें कि अपने पोते की जान बचाने के लिए दोनों बुजुर्ग दादा दादी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी तो अपनी पोते की जान बचाने के लिए ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों यह घटना आपको एकदम झकझोर के रख देगा और आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप सभी को बता दें कि पुरोहित जी के निवासी टोपरी हीरा लाल बैरवा, जिनकी उम्र 75 साल थी, और हीरा लाल बैरवा की पत्नी शांति बाई, जिनकी उम्र 70 साल थी। आप सभी को बता दें कि हीरा लाल और तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने पर एक निजी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराया और इलाज कराने पर इंजेक्शन लगाकर उन्हें घर पे आराम करने की सलाह दिया गया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो 1 मई को न्यू मेडिकल कॉलेज लेकर गए, ऑक्सीजन की कमी बताते हुए भर्ती नहीं किया गया तो परिजनों ने बाहर खड़ी एम्बुलेंस से ही ऑक्सीजन लगवाई। उसके बाद हीरा लाल के तबीयत में ज्यादा सुधार आ गए, उसके बाद परिजन घर लेकर आ गए। देखिए दोनों बुजुर्ग पति पत्नी कोरोना संक्रमित थे और उनका एक पोता था और उनको ये डर सता रहा था कि उनके पोते को कहीं कोरोना ना हो जाए। इसके वजह से वो दोनों बुजुर्ग दादा दादी ने अपने पोते की जान बचाने के लिए सुसाइड करने का कदम उठाया। सभी को बता दें कि घर वालों से बिना बताए बुजुर्ग पति पत्नी रविवार को सुबह चंबल नदी के पास रेलवे ट्रैक पर जाकर सामने से आ रही ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो बता देंगे सुबह 9 बजे ट्रेन के पायलट ने जीआरपीएफ को कॉल किया। मौके पर पहुंची जीआरपीएफ पुलिस प्रशासन की टीम शव को कब्जे में लेकर छानबीन जब जारी की तो दोनों पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकले और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से उन दोनों का दाह संस्कार किया गया। सभी को बता दें कि बुजुर्ग जो पति पत्नी मरे हैं उनका एक बेटा था जिनकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी और इनके घर में टोटल पोता पोती बहू मिलाकर टोटल 5 सदस्य थे जो कि दादा दादी अब इस दुनिया को छोड़ के चले। तो दोस्तों दादा दादी कोरोना संक्रमित थे और उनको यह डर चिंता सता रहा था कि उनके पोते को कहीं कोरोना ना हो जाए, इसके वजह से सुसाइड करने को सोचा। तो दोस्तों क्या ऐसा करना चाहिए था या कोरोना का इलाज करना चाहिए था, कोरोना का दवा चलाना चाहिए था, कोरोना से जंग जीतना चाहिए था? दोस्तों आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।